अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग आए हैं मी कोंग रेस्टोरेंट में और ये हमारा ऑर्डर अभी प्लेस होने वाला है। मी कोंग रेस्टोरेंट में हम लोग आए हुए हैं। हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करने गए थे तो आप लोगों को मैंने सोचा कि चलो यहाँ की थीम भी दिखा दूँ। अगर आप लोग चाइनीज़ खाने के शौकीन हैं तो आप लोग यहाँ आके ज़रूर खा सकते हैं। ये ऑर्डर आ गया हमारा फ्राइड राइस, देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रहा है, खा के पता चलेगा। कुछ ज़्यादा बड़ा पहाड़ नहीं आ गया, चलिए तो बहुत अच्छा है। और कमेंट करके लाजमी बताइए आप में से किस किस को चाइनीज़ खाना बहुत पसंद है, ताकि फिर हम आपको इसके पूरे कंप्लीट एड्रेस और लिंक जो है ना इसके हम आपको फॉरवर्ड करेंगे। मैं भी चेक कर लूँ कैसे बने। लग तो बहुत ही अच्छे रहे, बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं। और ये हमारी सिज़लिंग चाउमीन आ गई, बहुत ही टेस्टी लग रही है। थैंक यू बॉस। अच्छा, मैं समझ थी कि टेस्ट अच्छा नहीं हो, लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जी। कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो गाइस अब बियर देगी आप लोगों को फ्राइड राइस और सिज़लिंग का रिव्यू। जब ये खाती है तो मैं पूछती हूँ कैसा है भाई। हाँ भाई, कैसे लग रही है मैं? एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा है, कच्चे समोसे से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो गाइज़ हम लोग मदनी मॉल में आए हुए हैं हैदरी पे, और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त कलेक्शन है। और ये देखें, ये डियर जो है उसको चप्पल चेक करवा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत चप्पल है। इसके प्राइस भी बड़े ज़बरदस्त हैं, रिजनेबल प्राइस है और अच्छी भी है और बहुत खूबसूरत भी लग रही है पैरों में ना। बताते फिर परचेज़ की या नहीं की। तो गाइज़ हम लोग बेसमेंट में भी हम लोग आए और यहाँ पर हम लोग बेस्ट चेक कर रहे हैं। क्या नाम है इसका ब्रांड का? ड्रीम एक्सचेंज के नाम से। ड्रीम एक्सचेंज के नाम से ये देख सकते हैं। ऑथेंटिक लोग ब्रांड करें सामान का बोलोगे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बेसमेंट पे ही है बद्दी मॉल के अंदर। जब भी आप आए यहाँ से जरूर खरीदारी करें। ठीक है, यहाँ रखिए बस। आप ये या कुछ इससे लाइट की फाउंडेशन पैक करना है, ठीक है, इसको आपसे ब्लेंड करना है। सॉफ्ट क्वालिटी का ऐसे कॉम्पैक्ट जो पैंट है बस, और कुछ भी नीड नहीं है आपको इसके अलावा। अदरवाइज अब बहुत सी मेकअप बेसिस में कंप्लेन होती है कि स्वेटिंग से मेकअप ब्लैक हो जाता है, मेकअप क्रैक हो जाता है, डार्क सर्कल्स और पैचेस शुरू हो जाते हैं, ग्रे ऑयली हो जाता है। लग तो बिल्कुल स्किन टोन के साथ ही रहा, लेकिन आप एक काम गलत कर रहे हैं। एक ही पफ जो आप लगा रहे हैं ना सबको, अरे वो इट्स नॉट कूल। कितने पफ निकालेंगे आप? आपको पानी से मैं वॉश करके रब करके दिखा रहा हूँ। आपका मेकअप सर्दियों में भी गर्मी में भी इंशाल्लाह ना ब्लैक होगा ना ऑयल से क्रैक होगा। हम ये लेंगे, ये देख लें आप लोग, मिस रोज की बीबी क्रीम परफेक्ट। ये साफ कह रहे हैं कि सन ब्लॉक का भी काम करेगी और इसके अलावा ये स्किन को भी जो है फ्रेश रखेगी। तो आप लोग बताएंगे इसको हमें कितने में परचेज़ करना चाहिए। तो गाइस हम लोग बेस वगैरह तो ले चुके थे और अभी हम लोग आए हैं बेसमेंट के अंदर ही। और ये डेनिम की शर्ट हम लोग देख रहे हैं, ये डेनिम की शर्ट हम लोग लेंगे। ये भाई निकालना है एक्सल का साइज़, तो देखते हैं किस तरीके की मिल पाती है हमें। सही लग रहा है आपको यहाँ पे कुछ कपड़े सही लग रहे हैं आपको? ये देखें डियर चेक कर रही है, बहुत लॉन्ग नहीं है ये, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई। देखते हैं आगे, थोड़ी शॉर्ट हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं कि अब हम लोग खाने पीने के लिए बैठ गए हसन सही पे, और ये इन्होंने पर्स लिया और उसके बाद जो बीबी ली थी हमने वो, और ये देखें जो बैठी हुई है ऑनर, पर्स की ऑनर बैठी हुई है, खुश हैं बहुत ज़्यादा पर्स के साथ। और गाइज माजत माजत में आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, ये देखें ये हम लोगों ने महफिल लूट के किटो चप्पल भी लिए जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 2100 में लिए। और वैसे इसकी अराउंड मार्केट वैल्यू जो है वो 4800 रुपये की है, लेकिन हमने लूट ली महफिल।
बताइएगा कैसी लग रही है। और गाइज आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये प्लेटर बहुत ही ज़बरदस्त है, प्लेटर बहुत ही क्रीमी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा खाना आ चुका है और अभी हम लोग खाने लगे, खाने के बाद आप लोगों को बताएंगे कैसा लग रहा है। मैं बेटा खाने तो दो पहले खाइए, तो पहले खीरा खा दे मैदे को ठंडा करने के लिए, राइजर का काम करता है, बहुत ही क्रीमी होगा, जूसी होगा, बहुत ही टेस्टी है, तुम भी खाओ। ये देखें कुछ भी नहीं खाया गया, थोड़ा थोड़ा से हमने बस खाया, अभी हम पार्सल घर ले जाएंगे। बहुत टेस्टी है वैसे देखने में, ये खाने में भी है।